हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो इस समय लाइव क्यों आया है? क्या आप जानते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो इस समय क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे एस मुफारिसर सब कुछ चेक करना चाहते हैं। एस मुफारिसर सब कुछ यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वह पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित है या नहीं है, सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि हमारा ये जो इकोसिस्टम है यही हमारे बिजनेस का एक सबसे बड़ा एक प्रॉफिट एक प्लेटफॉर्म है और यही हम सब लोगों को प्रॉफिट देने वाला है और यहीं से ही हम अपना पूरा बिजनेस यहां से ही रन करने वाले हैं। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो OES है, यह एक आम प्लेटफॉर्म नहीं है, यह पूरी तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और यहां पर ही पूरी दुनिया यहां पर बिजनेस करने वाली है और यहीं से ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर रन होने वाला है और जितने भी लोग यहां पर अपने बिजनेस के अंदर अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं यहीं से ही अपना प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में छाने वाला है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसको चेक करने का एक और रीज़न है। एस मुफारिसर इसको सब कुछ चेक करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि समय समय पर जो है इसमें बदलाव होने वाले हैं और जल्दी ही हमें यहाँ पर एक नया वर्ज़न भी मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा डेटा पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित है या नहीं है, सब कुछ ठीक तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमें नया वर्ज़न अपने इकोसिस्टम का बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और बहुत सारी अपडेट भी आने वाली हैं और इसलिए हम सब लोग एस मुफारिसर की अगली अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारे पास इकोसिस्टम आ गया है, अब जब भी हमारे पास कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे अपडेट सेक्शन में हमें नज़र आ जाएगी, इसलिए आपको अपने अपडेट सेक्शन पर नज़र बना करके रखनी है। हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नए अपडेट दशहरे के बाद ही आएंगे अब, क्योंकि कल परसों के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं और छुट्टियां पड़ने के बाद में आपको पता है कि सब कुछ ओपन होगा, लेकिन जब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सभी लोग अपने अपने घरों में अपने त्यौहार को जो है इन्जॉय करेंगे। इसलिए यहां पर मुझे लगता है कि दशहरे के बाद ही यहां पर हमें कुछ नई अपडेट सुनने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो यहाँ पर जो है ज्वाइन होने जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पर जोड़ी जानी है, तो कुछ समय हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। नई अपडेट हमें ज़रूर मिलेंगी क्योंकि ये जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना आता है इस महीने के अंदर छुट्टियां भी बहुत पड़ती हैं, त्यौहार भी बहुत आते हैं और यहाँ पे एक दिन की नहीं बल्कि एक एक हफ्ते की छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं समय तो जाता है। तो यहाँ पे नए अपडेट भी हमें मिलेंगे और काम भी लगातार चलता रहेगा और जो हमारे बैकएंड के पीछे काम चल रहा है वो भी लगातार होता रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है अपने विड्रॉल्स को लेकर के और अपने प्रोफाइल को लेकर के, क्योंकि प्रोफाइल सेक्शन के अंदर कुछ लोगों का पूरी तरीके से ब्लैंक नज़र आ रहा है और हमारा भी पूरी तरीके से ब्लैंक नज़र आ रहा है। मैं आप अगर अपने बारे में बात बताऊं तो मेरा भी अभी प्रोफाइल सेक्शन पूरी तरीके से फिल नहीं है, ना ही वहाँ पे फ़ोटो है और ना ही वहाँ पे डेटा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे करके भरने वाला है और ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम के अंदर मिलने वाली हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है। उसी तरीके से यहाँ पर जो नई अपडेट भी हम लोगों को मिलने वाली हैं तो हमें अब यहाँ पर संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, जी हाँ, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। किसी भी काम को करने का समय निश्चित नहीं है और ना ही कभी यहाँ पर एस मुफारिसर के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से समय बताया जाएगा, क्योंकि एक बार एस मुफारिसर ने बताया था कि आप किसी भी काम को करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। लेकिन OES में कई अपडेट आते रहेंगे, जी हाँ आते रहते हैं, और इसलिए समय समय पर आपको उसकी जांच भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। OES के अंदर अपडेट सेक्शन पर नज़र बना करके रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी हमारे प्रोडक्ट भी आने बाकी हैं, अभी हमारा NDA सिग्नेचर आना बाकी है। NDA सिग्नेचर का मतलब है कि NDA का जो ऑप्शन है हमारे डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर वो भी आना बाकी है। अभी हमारा एफिलिएट वाला ऑप्शन भी आना बाकी है, जो हमारा बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है उसको भी वहाँ से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है एफिलिएट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम अभी OES के अंदर होने बाकी रह गए हैं, इसलिए आप अपने OES पर नज़र बना कर रखिए
और ख़ास तौर से अपडेट सेक्शन के अंदर बिग चेंज इज कमिंग वेरी सून, बहुत सारी चीज़ें यहां पर बदलने वाली हैं, बहुत सारे चेंजेस यहां पर आने वाले हैं। और रेडसन ने कहा है कि यहां पर हमारे सामने बहुत सारे एक एक करके नई सारी चेंजिंग जो है दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि रेड सर हमेशा लाइव आते हैं और उनको अगर आप सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। हमारे इकोसिस्टम के अंदर प्रोफाइल कुछ लोगों को नज़र आने लगी है। अभी मेरी कुछ देर पहले हमारे एक फाउंडिंग मेंबर से बात हो रही थी, तो उनको प्रोफाइल के अंदर उनका जो डेटा है, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ओमेल आईडी में उन्होंने कब ज्वाइन किया था, जो हमारा डेटा है वो उसमें उनको नज़र आने लगा है। तो कहने का अर्थ क्या है, यह एक पॉजिटिव साइन है। और एक पॉजिटिव साइन किस लिए है, क्योंकि कुछ लोगों का डेटा नज़र नहीं आ रहा होगा और आपका भी आने वाले वक्त के अंदर डेटा नज़र आ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की या पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना इकोसिस्टम लगातार चेक करते रहना है। अगर आप अपना इकोसिस्टम लगातार ओपन करते हैं, लगातार चेक करते रहते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों का इकोसिस्टम जो है लॉगिन होने के बाद लॉगआउट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉगआउट नहीं हो रहा हो। आप उसको प्रॉपर तरीके से लॉगआउट करिए, प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करिए और वहाँ पर लॉगआउट ऑप्शन है, उसको आप लॉगआउट ज़रूर करिए। जब भी आप अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करें तो आप अपना इकोसिस्टम लॉगआउट ज़रूर करें, उसको बैक बटन से बैक करके आप उसे बंद बिल्कुल भी ना करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत तेज़ी से जो ट्रैफिक आ रहा है, हम लोगों को आकर्षित भी करने में जो है सफल हो रहे हैं, क्योंकि अभी एस मुफारिस सर ने जिस तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर इतना बड़ा ट्रैफिक आया है जिसका शायद हमने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। अगर हम एक आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये ट्रैफिक ही है जहाँ से हमारे कस्टमर निकलने वाले हैं, जहाँ से हमारे बहुत सारे पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटर भी यहाँ से निकलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हम यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो रहे हैं, और ऐसे ने कहा था बस यही हमारे काम करने का तरीका है। पिछले 6 घंटे के अंदर यहाँ पर 1,25,00,000 लोगों ने हमारी इकोसिस्टम की वेबसाइट को यहाँ पर सर्च किया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर 1,25,00,000 लोगों ने पॉजिटिव इसको इकोसिस्टम को सर्च किया है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा ट्रैफिक हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब ऑन पैसिव उनमें से नहीं है कि किसी को नहीं पता है, इसका नाम नहीं पता है। आज पूरी दुनिया को ऑन पैसिव का नाम पता चल चुका है और आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे लोग इसके प्रोडक्ट के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि इस 2.5-3 महीने के अंदर जो हमारा इकोसिस्टम शटडाउन था, इस शटडाउन के दौरान भी जो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर सर्च ज़रूर किया होगा, हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर सर्च किया होगा। लेकिन अब हमारा इकोसिस्टम जो है यहाँ पर ऑन हो चुका है, लेकिन अभी भी यह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी हम सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते, हम अपना किसी भी एक नए व्यक्ति को कस्टमर नहीं बना सकते, रजिस्टर ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी और भी बदलाव हैं जो हमें आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं है। अब हम पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। बस एस मुफारिस सर ने जो अपना कमिटमेंट यहाँ पर लिया है अपने 2018 से लेकर के और अब तक का, वो धीरे धीरे करके अब ज़रूर पूरा होगा। अब बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी भी टाइप की कोई भी बाधा या कोई भी प्रॉब्लम जो है आने वाली है। तो बस आप बने रहिए अपने इकोसिस्टम के अंदर और अपने आस पास के जितने भी लोग हैं उनको सही तरीके से नॉलेज ज़रूर प्रोवाइड कराइए, जिससे कि वह अपना इकोसिस्टम सही तरीके से लॉगिन कर सकें। अगर आपका इकोसिस्टम लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपना एक जो मेरा पहला वाला चैनल है वहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो को बना दिया है कि अगर आप अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं अपना इकोसिस्टम तो हम क्या करें, आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए। और उसकी जो लिंक है मैंने इस वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने डाल दी है, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपका इकोसिस्टम लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, तो बस अपना जो ऑन पैसे बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर होगा और सब कुछ यहाँ पर होगा, और जितने भी हमारे सपने हैं और जितने भी हमारे जो एक इच्छाएं हैं वो ज़रूर यहाँ पर पूरी होने जा रही हैं। बस अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखिए और नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी
जिसकी तैयारी अच्छी होगी।